जीतने के लिए लोगों को चंद्रगुप्त बनाने के मूड में हूँ, और जी सर, 3 दिसंबर को कम से कम मध्य प्रदेश में तो सरकार बनाने की सोच रखता हूँ। 3 दिसंबर को? बहुत बुरे सर, बहुत अच्छी सोच है सर, बहुत अच्छी सोच है। आप ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर आपने मुझे पहचाया नहीं, मैं डॉक्टर कोठारी बोल रहा हूँ। मैं 2-3 डॉक्टर कोठारी को जानता हूँ, आप कौन से वाले कोठारी हैं, पैथोलॉजी वाले? अभी अभी सर जो हम दिल्ली में मुलाकात जो हुई थी डॉक्टर तरुण कोठारी, जो कोरोना में और जो पूरा वैक्सीन के खिलाफ जो पूरा सर्टिफिकेट उजागर किया। ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आप, अरे हम, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। जी 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 सर, जी सर, तभी मैं सोचा, मैंने कहा सर ने कैसे मतलब शायद भूल रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं एक हमारे कोठारी जी जो है यहाँ पर भी हैं, तो बल्कि एक दो कोठारी है, एक संजय कोठारी है, एक वो है, तो एकदम मैं थोड़ा सा मालूम नहीं कैसे दिमाग में वो कंफ्यूज कर गया। आप अगर आप डॉक्टर कोठारी करके याद रखेंगे तो बड़ा इजी रहेगा, वो तो डॉक्टर के साथ याद रखेंगे इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, तो आप बताइए डॉक्टर से याद, आपकी क्या भूमिका हो सकती है? सर ये तो भूमिका आप तय करेंगे, हम क्या तय करेंगे, हम तो सर काम करने वाले लोग हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि एक तो होता है प्रचार वाला, उसमें तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, आपकी टीम आ जाएगी, वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अभी ये है कि आप तो दिल्ली के वोटर लिस्ट में होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी टीम में कोई ऐसा है जो कि मध्य प्रदेश की टीम में हो, एंग हो, और उसको सीधे मुख्यमंत्री मंत्रियों से लड़ा देंगे, आप चिंता मत करिए एकदम, और वो हारेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री हारेंगे आप। एक बड़ा अजीब सा मॉडल है ये। आपको उस समय याद है कि नहीं है, मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा था कि 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। इसमें केवल जो है 1-to-1 कैनवासिंग है, जो ये खर्च कर रहे हैं हम कुछ खर्च ही नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, हमारे खर्च लगभग जीरो जैसा होगा, मतलब जो निकल रहा है वो अपने सिर पे कैप लगा ले, अपना टी शर्ट पहन ले, एक झंडा ले ले, बस उतना ही। अच्छा कैप, अच्छा मुझे थोड़ा सा, मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनसे बता दूंगा, तो थोड़ा सा समझाने के लिए बता दीजिए आप, मिनिमम थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कैसे कैसे होगा, जीरो खर्च कैसे। मेन प्रायोरिटी है, हम एक जो है लिस्ट 27 तारीख को जारी करने के मूड में हैं, जो भाजपा के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए है, वर्तमान या एक्स भी, ठीक है ना जी। तो पहले जो है मंत्रियों और मुख्यमंत्री के अंगेष्ट लोगों को उतारेंगे, और वो चेहरे बहुत बड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस मॉडल में ये सिद्ध करना चाहते हैं कि छोटे चेहरे इनको हराएंगे, जिनका चेहरा कोई जानता ही नहीं होगा उनसे हारेंगे, मतलब एक अजीब सा मॉडल है ये। और इसमें करना क्या है, हमें लोगों के बीच में जाके पूछना है और उनकी चाय पीना है, उनके लेवल पे जाके बैठना है, 10-15-20 इससे ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और उनसे केवल एक ही चीज पूछना है कि भैया तुम्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है, यदि चाहिए तो ये 21 लक्ष्य है, ये आपका पूरा देश बदल जाएगा। डू यू वॉन्ट डेट टू हैपन और नॉट, बड़ा सिंपल सी बात है, और कोई बात ही नहीं करना है। तो जब ये 21 लक्ष्य कौन से है, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू। वो 21 लक्ष्य है जिसमें गुलामों के नियम कानून को बदलना है जी। तो इस तरीके से उसमें 21 बड़े लक्ष्य हैं, और वो बड़े लक्ष्य इतने बड़े हैं कि ये देश बदल जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, इस देश से हानिकारक रसायन विलुप्त हो जाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर खत्म हो जाएगा, जो आप अपने किचन में, अपने बाथरूम में जो हानिकारक जो है ना कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं वो सब गायब हो जाएंगे, आपका जो है पानी फिर से जो है स्वच्छ हो जाएगा, आपको बोतल वाला पानी नहीं पीना पड़ेगा। इसमें जो है इतना पावरफुल है कि सिर्फ बाय वर्चू ऑफ मॉडल, मतलब एक तो होता है कि आप उत्पादन बढ़ा रहे हो, इफिशियंसी ला रहे हो, ना हम एफिशिएंसी लाएंगे ना हम उत्पादन बढ़ाएंगे, और डॉक्टर साहब आपको जान के ताज्जुब होगा, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मतलब 2029 तक हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे, और ये मैं तब करूंगा जब हम कोई एफिशिएंसी नहीं ला रहे हैं, कोई जो है कहना चाहिए कि
उसमें प्रोडक्शन में नहीं, कोई इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रोडक्शन में इंक्रीज 20 टाइम्स होगा, सॉरी नॉट 20 टाइम्स, 20%, और आपका जो रासायनिक खाद है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, राइट। इसकी जगह जो है जीवा अमृत, घन अमृत कंपनियां बनाएंगी और आपसे बिना पैसा चार्ज किए आपके खेत में डाल जाएंगी। पब्लिक जो है, क्योंकि मास एम्प्लॉयमेंट की योजना अलग से है, तो वो जो है आपके जाके खेत में काम करेंगे, आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, उनको भुगतान होगा और किसान के ही अकाउंट से होगा। एक अजीब सा अकाउंट क्रिएट किया गया है जिसको हम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट कहते हैं, राइट। तो ये हम जितने भी खर्चे करेंगे, मतलब हम किसानों के खेत में लाखों रुपए खर्च करेंगे और किसान से 5 पैसे नहीं मांगेंगे। मतलब ये मॉडल का जो है ना, वो देखिए कितना चमत्कारी मॉडल है। और जैसे जो जो मजदूर हैं वो 2-4-5 नहीं जाएंगे, दे विल गो ऐसे 20 मजदूर बस में बैठ के जा रहे हैं, और उनके पास अपने टूल्स होंगे, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी, फट फट काम करेंगे। जैसे ही उन्होंने काम कंप्लीट किया, दे विल गेट देयर रेवेन्यू स्ट्रीम। तो उनको जो भुगतान होगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम से होगा। मतलब तरुण जी, आपको जो है ना ऐसा लग रहा होगा डॉक्टर साहब कि मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन इतने से जस्ट ए मैनेजरियल रेवेन्यू मॉडल। स्ट्रीम से मतलब सर, रेवेन्यू स्ट्रीम से मतलब सर, नहीं, मैंने समझा नहीं आपने क्या कहा। आपने रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब, रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब है कि आपने वर्क कंपोनेंट कंप्लीट किया और क्राइम फ्री भारत विल गिव यू द मनी इंस्टेंटेनियसली, और वो मनी अच्छा जो है किसान के एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है उस पर चार्ज की जाएगी। तो इमीडिएट पैसा हम अच्छा देंगे, लेकिन वो पैसा चार्ज कहाँ होगा, किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। तो हमने किसान के दो अकाउंट क्रिएट कर दिए, एक अकाउंट कर दिया अर्निंग अकाउंट, उसको हम वन एमएसपी अकाउंट कहते हैं, क्योंकि लोग आगे बहुत एजिटेशन करते रहते हैं कि हमें वन एमएसपी मिलना चाहिए, वन एमएसपी मिलना चाहिए। तो हमने कहा भाई साहब, आपके खेत से खाद्यान्न बाहर निकलेगा, आपको मंडी मंडी में नहीं जाना है, आपको वन एमएसपी ठीक मिल है, जाएगा, और उस अकाउंट का नाम ही हमने वन एमएसपी अकाउंट रख दिया, राइट। तो ठीक आप है, ये देखिए कि आपका खर्चा जीरो, राइट, और आपको वन एमएसपी मिल रहा है, और वन एमएसपी यू विल गेट इंस्टेंटेनियसली जैसे ही आपके खेत के बाहर जो है खाद्यान्न निकलता है, राइट। अब पूरी चेन में ओनरशिप जो है वो किसान की रहेगी। अभी क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है और उसमें होर्डिंग से लेके ढेर सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, राइट। तो बीच के लोग पैसा बनाते हैं। अब आप देखो डॉक्टर तरुण जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा किसान जो है एकड़ों में सब्जियां पैदा करता है और उसकी ऊपर की जो ना उसकी जो है ना कुर्ता फट गया है और उसका बुरा हाल है, राइट। जो उसी के प्रोड्यूस को 3x5 के ठेले में बेच रहा है, उसके साथ दो नौकर भी आ गए हैं, मतलब वो उन्हीं की सब्जी को 5 गुने पे बेच पा रहा है। तो वो सिर्फ बेचने के लिए 4 टाइम जो है ना पैसा खींच ले रहा है, और यही काम हर प्रोड्यूसर के साथ हो रहा है। देखिए, जैसे सब टैक्स वैक्स लेबर एबर प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के आपकी एक शर्ट 500 रुपए की बनी, राइट। उसको शोरूम वाला 2,000 में बेच रहा है, तो शोरूम वाला क्या कर रहा है, एक एसी का एनवायरनमेंट दे रहा है, तो ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो आगे चल के ये बीच के जितने भी लोग हैं, चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, दे विल बिकम द सर्विस प्रोवाइडर। हम उनके बिना भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके बिना मैनेज करना नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट। तो फिर यदि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो फिर वो क्राइम करने लगेंगे, तो किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं करना है इसमें, दैट इज द होल थिंग, राइट। तो इसमें जो है ये सभी जो इंटरमिटेंट लोग हैं, इंक्लूडिंग द होम डिलीवरी, इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग, तो ये सब जो है सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे, एंड वट एवर सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग उनको उसी समय इंस्टेंटेनियस पेमेंट होगा, राइट। अब आप ये देखिए, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जीरो हो गया कि नहीं हो गया, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट उनके अपने घर भर में है या जो बिजली बिजली का, उतना ही इन्वेस्टमेंट उनका बचा के बन, राइट। जो मटेरियल कंटेंट है उसकी ऑनरशिप विल रिमेन विद द प्रोड्यूसर, राइट। अब मैंने वर्ड जो है ना फार्मर से, किसान से हटा के प्रोड्यूसर कर दिया, इसका मतलब है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हो, कहीं भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे,
वो इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, राइट। तो उसमें ओनर जो है विल रिमेन मालिक, तो बीच वालों की जो कॉस्ट लगने का काम खत्म हो जाएगा, उनकी उनका बिजनेस एस्टेब्लिश करने में खर्चा ही नहीं लगना है, और जो जो टेल एंड पे जो जाके मेरे बेचागा बेचा जाएगा वो 2 से 3 MSP पे बेचा जाएगा, राइट। तो उससे जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं एड वैल्यू के हिसाब से उनको भुगतान मिलेगा और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पर जो बचा हुआ 2 MSP या 1 MSP मिलेगा, राइट, वो जाके किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, और हम उसके खेत में जो लाखों रुपए खर्च करेंगे वो जो है 10 साल में 15 साल में जितने भी साल में रिकवर होना होगा होता रहेगा, आई एम नॉट बॉदर्ड, राइट। और चारों तरफ एम्प्लॉयमेंट एंड चारों तरफ वेल्थ क्रिएट होगी, मतलब इस देश में एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। आपने ध्यान यदि दिया हो तो मैंने कहा था कि ये सब जो चीज़ें आप रिजर्वेशन कह रहे हैं इसको भूल जाइए, ये जो है पॉवर्टी को शेयर करने का तरीका है, कि ये 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 वेल्थ को शेयर करने का तरीका नहीं है। क्राइम फ्री भारत इज सेइंग कि हम इतनी वेल्थ क्रिएट कर देंगे, भाई साहब आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए, जब हम आपको कह रहे हैं कि सबसे जो है ना बिना हुनर वाला परिवार जिसके पास ना शिक्षा है, हम शिक्षा भी दे देंगे, हुनर भी दे देंगे, टूल भी दे देंगे, आवागमन का साधन भी दे देंगे, वेशभूषा वस्त्र भी दे देंगे, और कोई भी चीज़ फ्री नहीं होगी, सब चार्ज होगी, राइट। दो रिकवरी विल बी डन एट द अप्रोप्रिएट स्टेज, मतलब तो वो रिकवरी को हम होल्ड करेंगे अपने उसमें बीइंग गवर्नमेंट, और आपको जो है ना वेल्थ मिलना चालू हो जाएगी। तो ये मॉडल कह रहा है कि 2029 में वो गरीब परिवार जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, जिसको जो है इन्होंने फ्रीवी का जो है ना बना दिया है, वो उस परिवार की आय जो है 1 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी, और उसको जो है उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए, क्योंकि आई इंटेंड टू गिव 50% रिवेट इन द होल इकोसिस्टम ऑफ द क्राइम फ्री भारत। ये बात समझ रहे ना, तो ये मॉडल एकदम डिफरेंट मॉडल है। ये आज के अर्थशास्त्रियों को जो है ना वो नहीं करेगा, और इसमें हमें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने अपना मनी पैदा किया हुआ है, क्राइम फ्री मनी का सिस्टम है उसमें, और सिर्फ बैक एंड पर जो है ना रुपये ऑपरेट करेगा, और जैसे जैसे हमारा इको सिस्टम बढ़ता जाएगा हमें रुपये की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रुपी इज बिकॉज जो भी आप काम कर रहे हैं यू आर क्रिएटिंग ए वेल्थ, तो दैट वेल्थ इज ए सिक्योरिटी, और वो वेल्थ इस ढंग से क्रिएट की जाएगी कि आज आपने वो जो है ना काम किया, कल से वो आपको अर्निंग देगा। जैसे मान लो JCB ने खोद के जो है ना एक ट्रेंच खोदी और उसमें हमने टाइलिंग लगा के 5-7 दिन में तैयार कर दिया, और यहाँ पे हर जो है ना खेत टू खेत जो है ना उसमें स्टॉप टाइप का अरेंजमेंट होगा जहाँ से वी कैन अलाउ द इंटरमिटेंट फ्लो फ्रॉम 1 to another ट्रेंच, राइट। तो आपका जो है एक्वा कल्चर हमारा 10वें दिन से चालू हो जाएगा वहां पर, इट विल स्टार्ट गिविंग यू द वेल्थ। और आप तो डॉक्टर हैं, यू नो पानी में जो भी चीज ग्रो होती है दैट इज रिच इन प्रोटीन, चाहे वो फिश हो चाहे वो प्लांट हो, तो चाहे वो कोकम वो हो आपका जो है ना क्या कहते हैं कमल ककड़ी हो या सिंघाड़े हो, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन प्रोटीन, एंड मैनी आर रिच इवन इन द ओमेगा 3 ऑल्सो, राइट। तो नाउ इस तरीके की चीजें जो है ना इनको फिर रॉ चीजें नहीं बेची जाएंगी, दे विल बी कन्वर्टेड इन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ, तो जो है ना देर विल बी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप जहां पर जो है ना ये चीज क्रिएट होके, और कंज्यूमर एंड पर ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रमोट की जाएंगी, तो आपका भोजन ही आपका इलाज हो जाएगा, मतलब ये इट इज ए अच्छा। हर व्यक्ति को जो है इंटाइटलमेंट होगा कि पर कैप्टा आपको इतनी शहद मिलेगी, मतलब अभी जो है ना तो शहद देखने को नहीं मिल रही हो, जो मिल रही है वो नकली मिल रही है, आप बात समझ रहे हैं ना। तो वो दैट इज समथिंग, बहुत ही चमत्कारी मॉडल है ये बेसिकली। इसको कई लोग तो इसको अविश्वसनीय मानेंगे, लेकिन ये मॉडल जमीन पे उतरने वाला है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े संत जो है, शायद आपने नाम सुना हो, आपने जय गुरुदेव बाबा का नाम सुना है क्या? हाँ सुना।
हाँ, तो जय गुरुदेव बाबा ने ये कह के गए हैं वो कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। नाउ इट इज अ टाइम, इट विल बी ए सतयुगी अरेंजमेंट। तो जब हम आपको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं और हमारे जो चंद्रगुप्त जीतेंगे वो गड़बड़ी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियम ही भी कानून ऐसे नहीं बनेंगे। जानते हो ये विधानसभा या पार्लियामेंट में सबसे लास्ट में जाना है उसको, पार्लियामेंट और विधानसभा में पास होना एक औपचारिकता होगी। डू यू नो हाउ द लॉ विल बी मेड? इसका बताइए बिजनेस रूल अमेंड कर दिया जाएगा। लॉ विल आप। बी जो है ना, जैसे मॉडल क्राइम फ्री भारत में ऑलरेडी बना के रखे हैं, 21 मॉडल बने हुए हैं, राइट? हमको जो है एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मौका मिला तो हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की, राइट? उसके सॉल्यूशन बने पड़े हुए हैं। हमने 54 यूनिवर्सिटीज के साथ बच्चों को इंटर्नशिप देके और मेजर माइनर प्रोजेक्ट देके ढेर सारे टेक्नोलॉजी डिजाइन की हुई है, जिसमें गैप्स हैं वो गैप्स कैन बी क्लियर्ड एट द मोस्ट इन ए ईयर, राइट? नाउ दीज मॉडल्स विल बी डेलिबरेटेड विद द एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आप उसको चाणक्य भी कह सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो है ना उस पर काम करेंगे, मतलब मॉडल विल नॉट बी इम्पोज ऑन यू, मॉडल विल बी रिफाइंड विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, राइट? तो पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और जब रिफाइनमेंट की प्रोसेस चल रही होगी हर चीज लाइव टेलीकास्ट होगी, राइट? और लाइव टेलीकास्ट का पीछे मकसद ये है कि पब्लिक को हल्का सा आइडिया हो कि हो क्या रहा है, राइट? फिर जो 45 के डिबेट डेज की डिबेट होगी वो पब्लिक पे होगी, और वो भी लाइव चलती रहेगी साइमल्टेनियसली एट द डिफरेंट चैनल, राइट? जिसको जो देखना हो वो देखे, यदि किसी को कहीं ज्यादा एक्सपर्ट समझ में आ रहे हैं, कोई कोई जो है ना ज्यादा जागरूक ग्रुप दिख रहा है, तो पीपल में ट्यून टू द देम। तो इन 45 डेज में पब्लिक के जितने भी कंसर्न और सजेशन है दे विल बी कैप्चर्ड, एंड सेकेंड डिग्री ऑफ द रिफाइनमेंट विल बी डन आफ्टर द पब्लिक कंसल्टेशन। फिर तीसरा जो रिफाइनमेंट हो रहा है वो चंद्रगुप्तों के साथ हो रहा है। चंद्रगुप्त का मतलब है वो विधायक बन गए होंगे, वो सांसद बन गए होंगे, राइट? अब इनसे जो चर्चा हो रही है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो रही है, पार्लियामेंट के बाहर हो रही है। एंड ईच वन ऑफ देम दे हैव टू स्पीक, उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि इतने जो अभी राउंड के डिस्कशन चल रहे हैं उसको सुन के उन्होंने कुछ तो कैप्चर कर लिया होगा, राइट? तो व्हाट एवर दे हैव टू स्पीक, दे हैव टू स्पीक आउटसाइड, और ये काम 15 दिन तक चलेगा, राइट? उसमें जो इनके जो चंद्रगुप्त के कंसर्न आएंगे दे विल आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए थर्ड रिफाइनमेंट। और 16वें दिन जो है देयर विल बी फुल ड्रेस, नहीं 15वें दिन विल बी फुल ड्रेस रिहर्सल आउटसाइड, और 16वें दिन देयर विल बी द फुल ड्रेस, नहीं फुल शो, ड्रेस रिहर्सल नहीं कहेंगे उसको, फुल शो या फाइनल शो इनसाइड द पार्लियामेंट और विधानसभा। अब बताओ किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये जो सो कॉल्ड चंद्रगुप्त, इनकी औकात है कुछ गड़बड़ी करने की? नहीं, नहीं कर सकते ना, वो किसी से बिक नहीं नहीं कर सकते सकते। हैं ना, वो कुछ गड़बड़ बात करेंगे मानी ही नहीं जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल और ठीक जो है। इसके आगे जो एक मॉडल है जो कह रहा है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र ले आएंगे, राइट? उसका भी मॉडल बना हुआ है। और देर विल बी टू टाइप ऑफ द थिंग्स, मतलब जो जो रिप्रेजेंटेशन चुनाव ऐसा ही होगा और उससे लेजिस्लेचर इलेक्ट होंगे, राइट? बल्कि हो सकता है कि पंचायत लेवल का इसमें इंटीग्रेट ही कर दिया जाए कि पहले परपंच, परपंच से जो उन्हीं से जो है ना हम विधायक ले लें, और फिर विधायक से जो है ना वो, इस तरीके से जो है ना एक चैन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये खर्च विहीन व्यवस्था है। आपके आगे के चुनाव जो है वो ऐप से होंगे, और आपने वोट दिया आपको वोट का सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा, वी कैन एनी टाइम वेरीफाई फिजिकली कि किसने किसको वोट दिया। इवन अपन एक जो है ना चाहें तो वो किसी एक बॉक्स में भी जमा कर सकते हैं, यदि कभी कुछ जो है ना बहुत कंफ्यूजन यदि होता है तो, राइट? तो इसमें जीरो खर्च पे हम जो है लेजिस्लेचर को और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मर्जी पे मंत्री जो है ना होल्ड नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि साहब फिर इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो वो हम कानून के माध्यम से कहेंगे। तो जो मंत्री हैं ये चम्मच लगाना उनका काम है कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो है ना वो करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के लेवल पर जो डिसीजन लिए जाएंगे दे शुड नॉट बी कंसिस्टेंट। यदि मान लो वो कानून है तो कानून तो जो है
लेजिस्लेचर बना रही है, और इसमें जानते खासियत क्या है, जो है एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी हैविंग द वोटिंग पावर, तो जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं उनके पास वोटिंग पावर भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इनको जो है लेजिस्लेचर ही फाइनली डिसाइड करेंगे, राइट, दे विल नॉट हैव वोटिंग पावर। अभी क्या हो रहा है, दे आर हैविंग द बीटो पावर, दे आर हैविंग द पार्टी व्हिप, वो तो उन्होंने गला दबा दिया आपसे कि जो मैं चाहूं वो करूं, और ये नोबडी नोज के कानून के ड्राफ्ट कौन ला रहा है। देखिए एक कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट आया, दो बार कोशिश की गई उसको बनाने की, 2005 में और 2011 में। डॉक्टर साहब यू विल बी सरप्राइज, यदि उस कानून को आप पढ़ लोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि वो कौन दुष्ट होगा जिसके दिमाग में इतने घटिया प्रोविजन आए थे। मतलब वो इतना खराब एक्ट है कि भारतीय जो है अपने देश में ही रहने लायक नहीं रह जाएंगे। मतलब यहां चिंतन की बात यह है कि ये कानून का ड्राफ्ट बनाया किसने था, ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया था या इट हैज कम फ्रॉम समवेयर। तो यहां तो ये भी नहीं मालूम है कि कानून का बना कौन रहा है, पार्लियामेंट में तो कोई बहस होती नहीं है, पार्लियामेंट में तो नुक्ताचीनी होती, पार्टी लाइन पे सीटाकसी होती है, दैट इज नॉट द हेल्दी वे ऑफ मेकिंग कानून। तो अभी की जो डेमोक्रेसी है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज अ पार्टी क्रेसी जिसने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देते हैं, गलत तरीके से जीतते हैं, और जीतने के बाद उसकी औकात नहीं है कि जिसने उसको जिताया है उसके हित की बात कर दे, उसकी औकात नहीं है, वो पार्टी का बंधुआ मजदूर है। आई डोंट नो डॉक्टर साहब आप कितना मुझसे सहमत है रहते हैं इस बारे में, काफी कुछ सही बात है। हाँ, बहुत कुछ सही बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर डेमोक्रेसी कहाँ है भाई साहब, ना आप अच्छे कैंडिडेट को ले रहे हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस घटिया है, आपने सबको जो है ना गोदी मीडिया बना दिया है, आप जो सर्वे करा रहे हैं पैसे दे के करा रहे हैं, वो जो आप बताते हो वो सर्वे रिपोर्ट में अच्छे से डायग्राम बना के जो है ना लिख देता है अच्छी अंग्रेजी लिख के, राइट। तो वट एवर इज बींग सेड दैट इज ऑल बोगस, राइट। अब जो है आप जो है पैसे खर्च करके पार्टी का इलेक्शन करते हो, आप जो है ना गाड़ियां भेजते हो, लंच डिनर की व्यवस्था करते हो, अरे शर्मा जाओगे इनके जो है ना, आप जो है ना आजकल जो इनकी सभाएं होती हैं उनकी जो डेकोरेशन होती है उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ये, तो वाई वाई सो, यहाँ तो कोई वही नहीं होगा। इवन अभी जो कैनवासिंग चंद्रगुप्तों की होगी इसमें कोई पॉम्पेंस हो नहीं होगा, इन्हें ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जो है ना ये हार रहे हैं, इन्हें तब मालूम पड़ेगा जब हम जो है ना अपने सदस्यों को और चंद्रगुप्तों को जो है ना छत पे चढ़ाना चालू करेंगे, जिस समय थाली बजाने के निर्देश हम देंगे उस समय इनको मालूम पड़ेगा, और वो हम 2-3 दिन पहले देंगे, पहले क्यों देंगे हम इनको, हम तो इनको हवा नहीं लगने देंगे। और इसमें कम्युनिकेशन का ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि हम 1-to-1 कम्युनिकेशन की स्थिति में रहेंगे, राइट। तो यदि हमने कहा कि आज जो है ना 8 बजे चढ़ के थाली बजना है तो 8 बजे थाली बजेगी, दीपक जलेगा, तब इनके जो है ना सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, तब इनके जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं सब उलट पुलट हो जाएंगी। ये तो कहेंगे ही नहीं कि क्राइम फ्री भारत जीतेगा, किसी के सर्वे में आएगा कि क्राइम फ्री भारत का जो है ना कैंडिडेट्स, वो तो ये सब कहेंगे कि इन सबकी तो जमानत जब्त होने वाली, बात ही नहीं करेंगे, वो 1-2-3 में भी नहीं मानेंगे आपको, मानेंगे क्या, वो आपको पहले 3 में भी नहीं मानेंगे। सही बात है। तो आप ये मान के चलिए कि एकदम उल्टा होने वाला है, मंत्री मुख्यमंत्री हारेंगे, बस केवल अपन को एक काम करना है कि लोकबाग 230 के 230 लोग मिलना चाहिए, शौक छवि के लिए मिलना चाहिए, क्रिमिनल्स को तो टिकट दिया ही नहीं जाएगा, राइट। और जो एक से ज्यादा लोग, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह के लिए हमें 4-5 लोग मिले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो उनको ये एहसास दिलाऊं कि मैंने उनको टिकट नहीं दिया है, उन्होंने टिकट खुद अर्न किया है, तो उन्हें संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको हम टिकट देंगे, राइट। हम उनको ये फीलिंग नहीं देना चाहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने उनको मेहरबानी की है। और आपको मालूम है चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, जो सब जो 18 तारीख को वोटिंग के बाद जो है 18 तारीख को जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उसकी मेरिट लिस्ट 18 नवम्बर को जारी हो जाएगी। हम तो 18 नवंबर को ही घोषित कर देंगे कि हमारा जो है ना मुख्यमंत्री कौन है, क्यों, जो नंबर 1 है वो मुख्यमंत्री है, जो नंबर 2-3 पे है वो उप मुख्यमंत्री है, जो 30-35 में आ जाएगा वो मंत्री है।
बहुत बढ़िया। तो और जो है जानते हो, कोई पोम्पेंसो नहीं होगा शपथ में। शपथ में लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लिस्ट डिक्लेयर्ड है कि भैया गवर्नर हाउस में पहुंच जाओ, वहां लाइव कर देंगे। कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ डेकोरेशन नहीं होगी। और उस समय ही कैबिनेट में मीटिंग होके कुछ हमें ऑर्डिनेंस उसी दिन जारी करना होंगे, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं ये लोग जनता को तंग ना कर पाए कि हमें वोट क्यों नहीं दिया। ये तो इतने दुष्ट हैं कि जो है ना हाथ पे तोड़ने पहुंच जाएंगे, ये तो अत्याचार करने लग जाएंगे, ये अपने मसल पावर और मनी पावर को दिखाने लग जाएंगे। तो इमीडिएटली ऑर्डिनेंस, एक कानून बनाया जाएगा, जिसने भी गड़बड़ी की वो जेल में सड़ेगा। तब आप अंदाज लगाओ कि हमने कितने आगे की तक की प्लानिंग करके रखी है। मतलब आई डोंट नो आपको ये स्वप्न दिख रहा है या यू आर इन पोजिशन टू अप्रिशिएट द इट एज ए पार्ट ऑफ एक्शन प्लान। और एक बात नहीं, कीजिए, बहुत, ये आपका जो विजन है ना, आपका विजन बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा विजन है, और इसमें आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें शामिल है। बस मैं थोड़ा सा, वो जो आपने बताया मुझे कि आपके जो 21 पॉइंट्स का जो मॉडल है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ लूं ताकि मैं मैं आपको उनको चार या बता पांच सकूं। डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ मैं आपको। एक मैं आपको भेजूंगा 21 जो लक्ष्य हैं जिनके मॉडल्स बने हुए हैं, राइट। दूसरा, ठीक उसमें है। 21 ही विधाएं हैं, हमें इट इज ए इंक्लूसिव मॉडल, इसमें कोई व्यक्ति बाहर नहीं छूटेगा। केवल एक ही ठीक है। डिफरेंस है उसमें कि कुछ चंद्रगुप्त हैं जो कि पर्दे के आगे आकर जो है ना संगोष्ठियां ले रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना पर्दे के पीछे होकर सदस्य हैं। मतलब यहाँ वोटर कोई नहीं है, सभी पार्टनर हैं, राइट। तो हम वो 21 विधाओं में कैसे लोगों को जोड़ना है, क्या जोड़ना है, वो चीज़ दूसरा डॉक्यूमेंट भेजेंगे। फिर हम आपको चंद्रगुप्त और इसकी शपथ भेजेंगे, राइट। ठीक फिर है, मैं आपको ठीक है। चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन का भेजेंगे। चार पांच डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेंगे तो आई थिंक विद दिस डिस्कशन यू विल बी इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएटेड। और मैं तो ये कह रहा ठीक हूँ, सर आप जी, देखिए जो कुछ भी होगा आज से तो बेहतर होगा ना, जी, बिल्कुल सही इन बात है। दुष्टों से तो बेहतर ही होगा ना। तो फिर इतना क्या सोचना है, सही बात है। मतलब ये जो दुष्टता कर रहे हैं कम से कम इस दुष्टता से तो 200% मुक्ति मिल जाएगी ना। तो आप मुझे बताइए क्या हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्या उसको टेस्ट करने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द मॉडल, वी विल डिस्कस अबाउट द रिजल्ट ओनली। ये रिजल्ट आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा ये मैथिली ग्रुप देखेंगे। आप कहेंगे साहब ये तो हो ही नहीं सकता है, तो चलो आज से जो हो रहा है इससे तो बेटर होगा ना। मेरा ये कहना है कि मैं आपके जो है ना आपके जो चूंकि आपका सोच और चिंतन नहीं है, और रिजल्ट्स इतने बड़े हैं कि आदमी को वो दिव्य स्वप्न दिखते हैं, लेकिन मुझे दिव्य स्वप्न नहीं दिखते हैं क्योंकि मुझे एक्शन प्लान है वो मेरे पास उसका, राइट। लेकिन हम अपनी एनर्जी आपको अभी कन्विंस करने में लगाएं, या आप जीत के आपको जो ना इन दुष्टों को हरा के हम उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर दें, फिर मुझे पूरी शक्ति सही अवेलेबल होगी, पूरे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे, राइट। फिर है। मुझे फ्री के सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी क्या। नहीं पड़ेगी। तो तरुण जी, एक तो मैं डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद देता हूँ कि आई एम फैन ऑफ यू ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना, और आपके जी जो जी है जो आपने मास्क के बारे में कहा, एंड आई वेरी कैटेगरिकली रिमेम्बर आपने कहा था कि साहब ये तो बीमारी ही नहीं है, आप डेथ रेट इज ऑल्सो देख लीजिए, डेथ रेट इज रादर उल्टा उल्टा इट विल कम डाउन बिकॉज यू आर टेकिंग दैट मैनी प्रिकॉशन। तो जो नॉर्मल कोर्स में लोग मरते हैं उससे भी कम लोग मरेंगे, जो अभी लोग मरे हैं इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, इट इज बिकॉज ऑफ दे हैव गॉन टू द हॉस्पिटल। हम ऐसे जो हॉस्पिटल। लोग भी बाहर रह के जिन्होंने काढ़े वाड़े, किसी ने सरसों का तेल, किसी ने नींबू जो उसने डाल लिया, वो बच गया है। बच गया, बच गया। अधिकांश लोग वो ही मरे हैं, या तो भय से मरे हैं, राइट, या दूसरे जो मरे हैं कि जो जो इन डॉक्टर्स के चक्कर में फंस गए और डॉक्टरों ने जो है ना इतने इतने एंटीबायोटिक दे दिए। कभी आप याद दिलाना तो मैं इसको एक किले और जो है ना सेना और उसके उसके इस मॉडल को कि कैसे हाउ पीपल डाइड, इसको मैं बड़े विस्तार से बताता हूँ, लेकिन ये बात चूंकि बहुत वो हो जाएगी। आप अभी अच्छा अभी